खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी खास पेशकश में मौजूद है जो जिस तरह से ये सरकार अब बनी है, जननायक जनता पार्टी और भाजपा की सरकार बनी है, तो इसके बाद देखिए सबकी नज़रें टिकी है मंत्रिमंडल पे, किस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार होगा और किस तरह का आगे कामकाज जो है वो सरकार का रहने वाला है। और सबसे बड़ा जो लोगों को उत्सुकता है वो ये जानने की है कि कौन कहां से मंत्री बनेगा और किसको क्या मंत्रालय मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 सीटें लेकर बिल्कुल भाजपा की बगल में बैठी जननायक जनता पार्टी को इस मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या कुछ मिलने वाला है, ये बड़ी बात है। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा। देखिए अरुण भाई, मेरे ख्याल से ये तो सभी लोग जानते ही होंगे कि हरियाणा में मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री 13 से 14 मंत्री बनाएंगे, एक दो मंत्री पद खाली रखेंगे। अभी मंत्रिमंडल में जो पेंच फैसला, उसमें सबसे मुख्य कारण ये हो रहा है कि जेजेपी दो कैबिनेट के साथ दो राज्य मंत्री चाहती है। कैबिनेट में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है दुष्यंत जी बन गए हैं, एक कैबिनेट मंत्रालय और वो लोग चाहते हैं, साथ में दो राज्य मंत्री चाहते हैं। लेकिन हमें जो अभी पता चला है कि अमित शाह जी ने बोला कि निर्दलीय MLO में से भी दो को मंत्री बनाना जरूरी है। इस हिसाब से मेरे ख्याल से दुष्यंत जी को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री और मिलेगा। अब कैबिनेट और राज्य मंत्री के लिए दो आदमी दावेदार बताए जा रहे हैं, राम कुमार गौतम और ईश्वर सिंह जी, और राज्य मंत्री के लिए द्वंद्र बबली और अनूप धानक को बताया जा रहा है। जो मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है वो ये फंसा हुआ है कि राम कुमार गौतम जी 10,000 से ज़्यादा वोटों से हरियाणा सरकार के कद्दावर नेता वित्त मंत्री जो है कैप्टन अभिमन्यु कराकर चुनाव जीते हैं, और द्वंद्र बबली जी जो है 50,000 वोटों से हरियाणा में सेकेंड सबसे बड़े ज़्यादा वोटों से हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सुभाष बराला जी को हरा कर जीते हैं। तो दोनों मंत्री चाहते हैं कि किसी भी हाल में ये लोग मंत्रिमंडल में शामिल ना हो। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ये इस तरह का होगा कि सुभाष बराला का एक अपना कद रहा है, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अभी हाल के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव था उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो इस लिहाज से तो शायद वो नहीं चाहेंगे। हाँ, बराला जी और अभिन्न जी भी यही चाहते हैं, लेकिन हमें जो अभी अपने सूत्रों से पता चला है, दिल्ली में हमारे कई सूत्रों से हमने बात की, चंडीगढ़ में बात की, तो हमें पता लगा कि अब JGP को उप मुख्यमंत्री के साथ साथ एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री बनाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री के लिए दो ही दावेदार, राम कुमार गौतम और ईश्वर सिंह। अब ये इनमें से किसको कैबिनेट और किसको राज्य मंत्री बनाएंगे ये तो दुष्यंत जी के हाथ में है, लेकिन जैसे हम बता दें ईश्वर सिंह जी बड़े सीनियर नेता रहे हैं, 1977 में चौधरी देवीलाल के साथ मिलकर जनता पार्टी से वो लोग MLA बने थे। उसके बाद वो 87 में निर्दलीय इलेक्शन लड़े, 96 में हरियाणा विकास पार्टी से इलेक्शन लड़े, दोनों बार इलेक्शन हारे। उसके बाद मैडम सैलजा के सहयोग से कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए राज्यसभा के सांसद बनाए गए और 5 साल के लिए राष्ट्रीय जो है SC कमीशन आयोग के मेंबर भी रहे, वाइस चेयरमैन भी रहे। तो और अब जो है लगभग उनकी उम्र 70 पार हो चुकी है और अब जो है वो गुलाचिका से MLA बने हैं, तो उनका भी कैबिनेट के लिए पूरा दावा है। और राम कुमार गौतम जी भी 8 इलेक्शन लड़ चुके हैं, 82 से उन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया। 2005 में राम कुमार गौतम जी भाजपा से MLA बने, 2009 में कांग्रेस से MLA का इलेक्शन लड़कर हारे, पिछली बार भी निर्दलीय 30-32 हज़ार वोट ली और इस बार जो है कैप्टन अभिमन्यु को हरा कर जो है इलेक्शन जीतते हैं। देवेंद्र बबली जी का भी अलग स्थान है। अब मेरे ख्याल से जो मुझे पता लगा है, राम कुमार गौतम जी को कैबिनेट और ईश्वर सिंह जी को राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा है, देवेंद्र बबली जी को मार्केटिंग कमेटी जो मार्केटिंग बोर्ड है उसका चेयरमैन बनाया जाएगा, कृष्णा गहलोत जिसके थे। हाँ, और हरियाणा में दो चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन बोर्ड का चेयरमैन और मार्केटिंग कमेटी का चेयरमैन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। 96 में कर्ण सिंह दलाल जब कृषि मंत्री थे तो चौधरी बंसीलाल जी ने अपने प्यारे और जो सीनियर नेता थे करनाल इंद्री से इलेक्शन लड़ते थे उनके लिए जो है चौधरी बंसीलाल जी ने नियम बदला था और कैबिनेट मंत्री का दर्जा जो है मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन को दिया था, इसलिए मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए उनके चांस हैं। वहीं जब हम निर्दलीयों की बात करेंगे तो अभी जो हमें हमारे सूत्र मिले हैं, नैनपाल रावत, बलराज कुंडू और धर्मपाल गुंदर, तीन नाम जो है मंत्री पद के लिए चले हुए हैं, इनमें से दो को
मंत्री बनाया जाएगा और एक को डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। तीन अदर जो निर्दलीय बन गए चौधरी रणजीत सिंह, सोमवीर सांगवान और राकेश दौलताबाद, इनमें से रणजीत सिंह जी को प्लानिंग कमीशन बोर्ड का डिप्टी चेयरमैन बनाया जा सकता है, जो कि कैबिनेट मंत्री के बराबर है। चौधरी रणजीत सिंह भी पुराने नेता रहे हैं, 82 में उन्होंने लोकदल से इलेक्शन लड़ा, हार गए थे। 87 में वो MLA बने और चौधरी देवीलाल की सरकार में कृषि मंत्री रहे, 90 में राज्यसभा में चले गए। उसके बाद 4-5 इलेक्शन आदमपुर से और कई जगह से कांग्रेस से हारे। इस बार जो अरणिया से निर्दलीय MLA बने हैं, 72-73 साल की उम्र है। तो चौधरी रणजीत सिंह की ये लास्ट पारी है। 2005 से 9 हुड्डा सरकार में वो प्लानिंग कमीशन बोर्ड डिप्टी चेयरमैन थे, इसलिए उन्हें चेयरमैन बनाया जा सकता है। सोमवीर सांगवान और राकेश दौलताबाद को भी अच्छी किसी प्रकार के जो है चेयरमैनी, हाउसिंग बोर्ड या किसी अच्छे बोर्ड की चेयरमैनी दी जाएगी। और इसके बाद अब सबसे बड़ी बात रही है, अभी हमारे पास जो मुख्य खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी इस टाइम जो है नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर रहे हैं और वही उप मुख्यमंत्री जी 18 जनपद पे दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं से मीटिंग ले रहे हैं। दोनों अपना फीडबैक लेंगे, उसके बाद जो है दोनों अपने मंत्रियों के नाम देंगे। वही भाजपा के मंत्रिमंडल, हमने जो बताया कि भी 2 मंत्री जो है निर्दलीय और 2 मंत्री जो है अदर्श, 2 मंत्री जो है JJP के और 2 मंत्री पहले बन चुके हैं, 6 मंत्री बन चुके हैं, उसके हिसाब से 9 पद अभी खाली हैं। हमारे सूत्रों से मिल रहा कि 8 मंत्री और नए BJP से बनाए जाएंगे, जिसमें से अनिल विज जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, मूलचंद शर्मा जी, दीपक मंगला जी, सीमा त्रिखा जी, रणबीर गंगवा जी, अभय सिंह यादव जी, महिपाल ढांडा और निर्मल चौधरी में से कोई और विशंबर वाल्मीकि। इन 10 में से किसी भी 8 की लॉटरी निकलेगी, लगभग नाम 6-7 नाम फाइनल है, 1-2 नाम में ही बदलाव हो सकता है। तो मतलब मंत्रिमंडल में हमने बताया 8 ये, 1-3 दुष्यंत जी के, मतलब 2 दुष्यंत जी के, 1 खुद दुष्यंत जी और 2 निर्दलीय, 14 मंत्री बनाए जाएंगे और 4-5 नेताओं को अच्छी प्रकार के जो मंत्रिमंडल में चेयरमैन बनाया जाएगा। चौधरी रणजीत सिंह को प्लानिंग कमीशन बोर्ड का और बबली जी को जो है मार्केटिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है। कुल मिला के ये लग रहा है कि इन सभी निर्दलियों को जो 56-57 का जो समर्थन है, सभी को, निर्दलियों को भी खुश किया जाएगा और JJP को खुश किया जाएगा। गोपाल गोयल कांडा जी को शायद कोई भी पद नहीं दिया जा रहा है। एलनाबाद के अभय सिंह यादव और गोपाल कृष्ण गोयल दोनों को जो है किसी प्रकार का कोई पद नहीं दिया जाएगा। BJP के 40 में से 8 मंत्री, 1 मुख्यमंत्री और 1 स्पीकर, 10 पद जो है BJP को, 3 पद जो है JJP को और 2 पद जो है निर्दलीयों को, 15 आदमियों को समाहित किया जाएगा, 5 अदर को चेयरमैन। मेरे ख्याल से इन 56 में से अभी जो है 20 को जो है अभी समाहित किया जाएगा और 36 जो सीनियर MLA बच गए हैं उनको जो है अदर पार्टी में जो है पार्टी के किसी विशेष पद पे और कुछ को जो है चेयरमैनों में समाहित किया जाएगा। ये हो गया मंत्रिमंडल का विस्तार, सारी चीज़ें हैं। ये बताइए, क्या ये सरकार स्थाई सरकार प्रदेश में बिल्कुल कर पाएंगे? बिल्कुल, ये सरकार बिल्कुल 5 साल मेरे हिसाब से चलेगी अरुण जी, क्योंकि आप ये देखिए 1970 में, 1987 में, 2000 में तीनों ने मिलकर ही सरकार बनाई है। बस एक थोड़ा सा पेज इस बार उल्टा है, इस बार जो है भाजपा बड़े भाई की भूमिका में और इंडियन नेशनल लोकदल से निकली हुई जजपा जो छोटे भाई की भूमिका में है, दोनों का वोट बैंक अलग अलग है। भाजपा जहां नॉन जाट और जीट रोड पे ज़्यादा जो हैवी है और जजपा जो है बंगर और बागड़ी बेल्ट में जाटों में ज़्यादा हैवी है, 1-2 MLA 71 का वजह, वरना मेन जो उनका जनाधार है वो नरवाना, उचाणा, बरवाला, कुलाना, फतेहाबाद, सिरसा, हांसी, इस बेल्ट में, हांसी की वाली बेल्ट में है। वैसे चिकासी ईश्वर सिंह जी और शाहबाद से जो है कालाजी जुकर जीत गए, लेकिन ज़्यादातर उनका जनाधार जो है कुछ सोनीपत की सीटों में जनाधार है। JJP लोग 30 सीटों पर जनाधार रखती है, जिसमें दोनों 10 सीटें जीती हैं, 10 पे 2 सेकंड नंबर में रही हैं। दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे और आगे भी मिलकर दोनों जो है चुनाव इकट्ठे करके भी लड़ सकते हैं। अभी इतना बड़ा जो है JJP का कद नहीं कि वो मुख्यमंत्री पद पर दावा करे। और मैं तो एक बात कहूँगा, जब तक हरियाणा में कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, JJP से ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकती। 10 से 12-15 तक ही चली जाएगी, अगले 45 पे नहीं आएगी। JJP को अपनी भी हैसियत का पता है, BJP को भी अपनी हैसियत पता है। दोनों मिलकर 5 साल सरकार चलाएंगे और उसके बाद जो होगा आगे देखा जाएगा।
अब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा जिसमें 5 आदमी जो है जेजेपी से, 5 आदमी बीजेपी से और 5 सीनियर आईएएस को लेकर 12 से 15 आदमी कमेटी बनाएंगे, दोनों में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लिए जाएंगे। उसमें 2 प्रोग्राम जो कॉमन मिनिमम में आ गए हैं कि भाई 50 किलोमीटर ज़्यादा कोई भी टेस्ट नहीं दिया जाएगा। ये आप कॉमन कह रहे हैं, इस चीज़ में ये एक सवाल है दुष्यंत के मैनिफेस्टो में था कि स्टेट को ख़त्म करेंगे। देखिए मैंने कॉमन बोला है, कॉमन में दोनों की चल गई है, दुष्यंत ने ख़त्म नहीं किया और उन्होंने किलोमीटर 350 भी लिया है, दोनों मतलब कॉमन वाला दोनों के बीच में, दोनों बीच में ही काम करेंगे। सारे मैनिफेस्टो नहीं लागू होंगे, सारे तो मैनिफेस्टो में सारे 154 के वादे तो बीजेपी ने खुद की फुल बहुमत की सरकार में पूरे नहीं किए, ये तो मिलजुल के काम होता है जी। दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, लोग जो है अपने राजनीतिक कार्य के लिए दोनों से जुड़े हुए हैं। कुछ मुद्दे जो है जैसे पेंशन का मुद्दा है, बिल्कुल 5100 नहीं करेंगे, 500-500 की बढ़ोतरी करके हो सकता है लास्ट में 4 साल 500-500 की बढ़ोतरी, आखिरी साल में 1100 की बढ़ोतरी करके 5100 करते हैं। फसलों पे जमींदार और जाट वोट बैंक पे दुष्यंत की ज़्यादा नज़र रहेगी और कुछ युवाओं पर नज़र रहेगी, तो वो उन दोनों चीज़ों मिलकर काम करेंगे। वहीं पर जो है खट्टर साहब एक अड़ियल नेचर के आदमी हैं, उन्होंने सरेआम कह दिया करनाल में खर्ची पर्ची बिल्कुल नहीं चलेगी, तो दोनों मिलकर एक कॉमन प्रोग्राम बनाएंगे। उसके लिए मंत्रिमंडल मेरे ख्याल से अभी अमित शाह जी जो है हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में बिजी हैं, 2 तारीख तक वहाँ मसला सुलझेगा। 4 तारीख को विधानसभा बुलाई गई है, उस दिन विधानसभा अध्यक्ष का जो वो होगा, मैंने आपको विधानसभा अध्यक्ष के लिए बताया कि मेरे ख्याल से विधानसभा अध्यक्ष के लिए बीजेपी के जो है 2 नाम उभर कर आए हैं, जिनमें से मुख्य नाम जो है मेरे ख्याल से विधानसभा अध्यक्ष के लिए जो मुख्य नाम है कमल गुप्ता जी हिसार से, और दूसरे हमारे जो है ज्ञानचंद गुप्ता जी पंचकूला से, दोनों में से एक को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। डिप्टी स्पीकर के लिए मैंने आपको बताया कि जिंदर दिल्ली एमएलए को ये पद देंगे, पहले स्पीकर का चुनाव होगा, फिर डिप्टी स्पीकर बनाएंगे और फिर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, फिर मीटिंग होगी, फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए कमेटी बनेगी, फिर मिलजुल कर दोनों मिलकर काम करेंगे। अभी तो मतलब ये शुरुआती दौर में है, 6 महीने तक जो है सरकार का हनीमून पीरियड बोला जाता है, 6 महीने तक ये लोग मिलजुल के एक दूसरे को समझेंगे, संभालेंगे, फिर मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 6 महीने जो है सरकार का हनीमून पीरियड रहने वाला है और इसमें जो है सरकार बीजेपी भी जेजेपी भी मिलकर दोनों देखेंगे कि कहाँ कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है और दोनों एक कॉमन जो मुद्दे होंगे उन पे डिस्कस करेंगे और कहीं ना कहीं जो लोगों को बेनिफिट देने की बात है वो बेनिफिट देने का काम करेंगे। और ये जानकारी जो हमने बताई आपको मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से होगा, कौन निर्दलीय किसको जगह मिलेगी, कौन राजा बनेगा, कौन जनता के बीच रहकर सेवा करेगा, किसको संगठन की जिम्मेवारी मिलेगी, ये तकरीबन हमारी सटीक है क्योंकि हमने जब कांग्रेस की लिस्ट फाइनल की थी हमारे प्रमोद शर्मा जी के साथ मिलके, तो वो भी हमारी तकरीबन 99.9% वो सटीक रही थी। और उसके बाद हमने बीजेपी की लिस्ट को भी एक जारी किया था तो तब भी हमारी लिस्ट जो है वो तकरीबन फाइनल रही थी। और सबसे बड़ी बात, हमने एक स्टोरी भी की थी मुसीबत में खट्टर काका, और उसमें हमने बताया था कि किस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा में जुटी भारी भीड़ जो है वो उनके खिलाफ भी हो सकती है, ये भी सिद्ध हुआ। और जो एग्जिट पोल बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने दिखाए थे कहीं ना कहीं वो भी धत्ता साबित हुए, और जो हमने बताया था 30 से 55 सीटों के बीच जो है वो भाजपा सिमट सकती है वो भी एकदम 100% धरातल पर उतरा। और हम आशा और उम्मीद करते हैं आगे भी K9 मीडिया के दर्शकों को ऐसी ही सटीक जानकारी हम लगातार देते रहें, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि निष्पक्ष बिल्कुल धरातल पे उतर के जो है वो मुद्दों की लड़ाई लड़के और इस तरह के विश्लेषण जो है वो आपके सामने लाए जा सके। धन्यवाद।